मेरा 190 हुआ था और इसका मिला कितना बताओ? ये 50 का 190 240 240 पे करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू श्री मुज़फ़्फ़र ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे अफ्तारी शॉपिंग। या चलो लेट्स गो फॉर अफ्तारी। तो साकिब भाई भी आ गए। साकिब भाई कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा पहले कार पार्क करूंगा और उसके बाद फिर अफ्तारी शॉपिंग करूंगा। कहाँ पे जा रहे हो? इधर ही नीचे बस। अच्छा, तो हम जा रहे हैं यादगार के पास। यादगार? हाँ चलो मैं भी आता हूँ। मैं जा रहा हूँ यादगार मुंबई चाट। तो साकिब भाई बोले मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि उनको भी खरीदना है और घर पे आ रहे हैं अप्पा और मेरी बहन। तो इस हिसाब से थोड़ा स्पेशल शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मस्त मस्त। आज क्या ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, घर की साफ सफाई चल रही थी। हम लोग की भी साफ सफाई आज ही सुबह से वही कर रहे हैं। तो वो हिसाब से कुछ ज्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पाया इसलिए थोड़ा बाहर से। तो वैसे भी आज हो सकता है मे भी कि आज लास्ट हफ्ता लियो। नहीं 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 ना, आज कल कल सारी ठीक है। आज 29वां रोजा है, कल 30वां रोजा और परसों ठीक है। तो चलते देखते हैं। अगर आज होती सऊदी में तो कल अपने आप होती। कल ईद है तो परसों आप अपने आप ईद। ठीक है चलो देखते हैं क्या क्या आइटम्स मिलते हैं आज। तो लेट्स गो। तो हम आ गए वापस से हमारे मेन स्पॉट पे जहाँ से हम हमेशा अफ्तारी ख़रीदते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। हम इसे यादगार पॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये यादगार होटल यहाँ पे बहुत फेमस है। तो ये दो देना, मतलब अलग करना। हाँ, इनको अलग, अलग वो चार देना, ये वाला चार। क्या नाम है उसका? वाला ये चाइनीज वाला क्या नाम है? ये एक दे दीजिएगा 30 वाला। दो बड़ा वाला ले लो। दो दीजिए। दो लो। हाँ केक उसकी चिकन मेरा कितना? 180। डॉक्टर साहब भी अब डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं क्या यूट्यूब बना रहे हो आगे भी ये रहा वो जो 5 किलो गोश्त खरीदता है रोज उससे कम में चलता नहीं अपने को पहचान लिया इस शख्स को। अरे कोई है नसीब में नहीं हुआ है बिलिंग मेरा 190 हुआ था और इसका मिला कितना बताओ? ये 50 का 191 हुआ। 190 240 पे करो। ये रही हमारी शॉपिंग। अब पता नहीं इसमें से किसका क्या नाम है, जो दिख रहा है बस वही है, नाम पता नहीं। समोसे है, भजिया है, वाटरमेलन और फालूदा हमारा रेडी है विद अमूल आइसक्रीम। यहाँ मैंगो कटिंग हो रही है। तो फाइनली घर पे आ गया। मेरी हालत देख के आप लोग को समझ में आ सकता है कि कितना बोलते ना जंग जड़ के आया हूँ। इतनी गर्दी, इतनी पब्लिक, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता है।
मतलब आपको रिएक्ट करने का इतना, मतलब आप कुछ सोचो कोई चीज़ देने के बारे में उतने में दूसरी पब्लिक भी घुस जाती है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल से मैं और साकिब भाई दोनों मिल के, साकिब भाई को ज़्यादा नहीं लेना था कुछ, तो वो थोड़ा बहुत लेके हट गए थे। फिर मैं देख के सब कुछ लेने में काफ़ी टाइम गया वहाँ पर, फिर एक चीज़ देखना, प्राइस पूछना, फिर लेना। उतने में वो लोग भी इतना रिस्पॉन्स देते नहीं, वो लोग बिजी रहते। जो समझ में आया फटाफट मैंने लिया। आज हमारे घर में इफ्तारी नहीं बनी है क्योंकि आज हमारे घर में सब वो तो मैंने बता दिया, बहुत सारी वो मैंने बता दिया कि आज मैं बहुत थक गई, मैं अब लगा रही हूँ, मैं बहुत थक गई। यस, तो आज रमजान कैसा पहला दिन रहा होगा जब हम लोग बाहर से इफ्तारी लेके आए, नहीं तो उस टाइम हम लोग हमेशा घर में ही बनाते। हाँ, बीच में सिर्फ इफ्तारी पार्टी हुई थी, दोस्त लोग आए थे तब खाली लिए थे बाहर, तभी भी घर के आइटम थे, पर आज तो घर के आइटम है ही नहीं एक्चुअली। हाँ, आज पूरा बाहर का है। तारी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, क्या कर सकते हो, इसीलिए सोचो। जुलम अभी है ना, रोज अभी ईद हो जाएगी ना, तो एक दिन सिर्फ मैं स्लीपिंग डे रखूंगी, मैं ना सिर्फ उस दिन मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी नींद है जो कभी पूरी नहीं होती। अफ्तारी के बाद भी और टास्क है हमारे पास। शिरकुरमा और चाय वगैरह बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं, एक दिन रेस्ट पूरा कम्प्लीटली। और फिर मेरा फोन का कवर लेने जाना है, उसका उद्घाटन तो करो, ईद में जरा फोटो तो खींचो कि नहीं खींचो बोलो। हाँ, ईद में अच्छे अच्छे फोटो लेना है, तो वही हिसाब से फोन भी एक्टिव कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। फोन ऐसे एक्टिवेटेड है लेकिन उसमें सिम कार्ड डालना बाकी है और कवर लेना बाकी है, तो वही कवर स्क्रीन गार्ड सब लेना बाकी है। वो हिसाब से यूज करना शुरू नहीं किया उसको भी। मैं अच्छी शरीफ लड़की नहीं खराब करती, तो आप लोग की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं बता दूं कि मेरा जो ये फोन है ना, ये मैंने 3 साल यूज की हूँ, अभी अप्रैल में इसको 3 साल हो गए हैं। हाँ, मतलब ये मैडम इतना, मतलब इसको सर्दी करे तो ये और यूज करती थी। हाँ, पर अभी जा रहा है, तो इसलिए मैंने भी लॉक शूटिंग में जब प्रॉब्लम आने लगी अब लगता है शायद लेना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं लेती। अच्छी बच्ची हूँ मैं, पति का पैसा नहीं खर्चा कराती हूँ, पैसा बचाने के चक्कर में इसलिए लोग मुझे कंजूस बोलते हैं। वो तो है ही। चलो ठीक है, एक डायमंड का रिंग लाके दे दो मेरे को। मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा, डायमंड का रिंग लाके दे। आवाज नहीं आ रही, बहुत दूर से लोग बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अभी आई आवाज, तो अभी अब्बा और मेरी बहन आ रहे हैं, ऑन द वे है वो, बस थोड़ी देर में आएंगे, हम लोग डोसा खोलेंगे। वाओ, वेयर इज खजूर कशप की मेहंदी भी बताओ। अच्छा कलर आ गया कशप, तुम्हारी मेहंदी खजूर, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी मम्मा इसका तो रोज पहले ही पूछा था। खजूर चाहिए बच्चे को, ये खाली अभी खाएगी, थोड़ा टेस्ट करेगी, रख देगी वापस। हाँ, इसका ऐसे। वेलकम बैक गाइस, तो अब हम जा रहे हैं फोन का कवर लेने और खाने का ऑर्डर लेने ईद के लिए। ऑल सेट, ये हमारा है कम्युनिटी फूड बैंक, यहाँ पे जो भी रोज़ा खोल के हमारे फूड बन जाते हैं, फ्रूट्स या जो भी स्टारी, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर डाल सकते हैं। तो अभी हुज़ैफ़ा डाल रहे हैं, ज़रूरतमंद कोई भी आके ले सकता है अपने खाने के लिए। ये हिस्सा है कपड़ों का, यहाँ पे हम अपने कपड़े रख सकते हैं, जो भी यूज़ नहीं करना है तो वो कपड़े हम रख सकते हैं यहाँ पे, तो जिसको भी ज़रूरत रहेगी वो कपड़े लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे कुछ भाइयों ने हमारे कॉम्प्लेक्स के, जिसमें ये फ्रिज यहाँ पे रखा है, जिसमें जो भी सामान खाने पीने का हमारे पास होता है हम यहाँ पे लाके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इफ्तारी का सामान कुछ अगर बच गया हो तो ही लाके रखना है, किसी को अगर ऐसे भी ला के रखना है तो वो रख सकता है फ्रिज में, और जिसको भी ज़रूरत, जो भी ज़रूरतमंद है वो ताकि यहाँ पर आके ले सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इफ्तारी का सामान बच जाएगा तो ही हम रखें, हम फ्रेश जो भी हमारे पास होगा, ज़्यादा सामान जो रखा होगा हम जाके रख सकते हैं, खाने पीने का हो या कपड़ा हो, जो भी हो ऑप्शन में, दोनों का इंतज़ाम है यहाँ पे। फ्रिज का भी है और साइड में एक छोटा सा कैबिनेट भी बना है जहाँ पे हम कपड़े या कुछ और सामान रखना है जो हमारे यूज़ में नहीं, हम रख सकते।
फाइनली ऑर्डर दे दिए। इसके पहले जहाँ पे गए थे ऑर्डर देने, वहाँ पे ऑर्डर लिया नहीं उसने, तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम लोग, लोगों ने एक एक हफ्ता पहले ऑर्डर दिया और वहाँ पे फुल हो गया। बहुत फेमस कैटर वाला है वो, तो इसलिए उसके पास अभी स्कोप ही नहीं है और एक ऑर्डर लेने का। तो अभी हम जो हमारा पहले वाला था जिसको हम ऑर्डर देते थे उनके पास ही आए। बोलते ना जो जहाँ पर लिखा है पे ही जाता है, और जहाँ पे मतलब हमारा जो पुराना वाला था वही काम आया आज। तो उनके पास ही ऑर्डर दिए है अभी। ठीक है, तो अभी ऑर्डर का हो गया, अब जा रहे हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल का कवर। ट्रांसपेरेंट वाला है, ट्रांसपेरेंट ये अच्छा लग रहा है, LED वाला है। ये कितने वाला है? अच्छा। लेकिन कैमरा आगे फ्रंट कैमरा तो नहीं कवर हो जाएगा ना? फ्रंट कैमरा प्रॉब्लम नहीं आता ना। कितने का है? 100 रुपये का है। हेलो देखो, लाइट आ रही है। खुश हो गए, तुम्हारा कवर भी आ गया और कवर भी आ गया, टेम्पर ग्लास भी लग रहा है। उसके बाद हम कुछ शूट नहीं कर पाए, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।